छूकर प्यार भरे मीठी मीठी राम राम है, नमस्कार है। और शायद आप लोगों को राम राम तो करना, राम राम बोलो, राम राम। और उसके बाद वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि धनबाद को दो तीन शब्दों में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये जगह हिंदुस्तान का दिल है जो धड़क रही है, और यहाँ के इंसान बहुत अच्छे हैं। बहुत शोज होते हैं और एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक हर जगह एक ही जैसी होती है, हर स्टेज एक जैसा होता है, लेकिन कोई कोई जगह होती है जो दिल के पास होती है। वो आप सबकी ये जगह है धनबाद, जहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पहली बार मैंने तीन लड़कियों को अपने लिए चिल्लाते देखा है। लड़कियाँ लड़कियों के लिए चिल्ला रहे तो भाई प्राउड मोमेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आप सभी का जो मुझे बुलाया, ना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, यहाँ से उठा के आपने मुझे यहाँ बिठा लिया। बस मैं यही कोशिश करती रहूँगी पूरे ज़िंदगी कि जो आपने मुझे ज़मीन से उठाकर अपने सर पे बिठाया है ना, इसका मैं गलत उपयोग कभी भी ना करूँ। बस ऐसे ही चलती रहूँ, ऐसे ही आप लोगों का प्यार पाती रहूँ। पहले जब मैंने काम शुरू किया तो सबको पता है कि मैं पोपट हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं सीधा डायरेक्टली बोल देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। तो जब मैंने शुरू में काम शुरू किया था तो बी फ्रेंड की मेरी ज़रूरत थी, मेरे घर की ज़रूरत थी। और बहुत चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। आज अगर मैं चाहूँ तो आराम से अपने घर पे बैठ के दो पैसे कमा सकती हूँ और अब भी घर चल सकता है। और मेरा मानना है कि जो इंसान दाल रोटी में खुश नहीं रह सकता ना, उसको चाहे रोज शाही पनीर दे दो, वो जब भी खुश नहीं रहेगा। तो जब मैंने शुरू किया था तो ज़रूरत थी। आज मैं काम उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है कि किसी के प्यार की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कभी कभी आँखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी आप लोगों का प्यार देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या है। सच में मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। लेकिन जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं ये सोचती रहती हूँ कि क्या है ये, जिंदगी एकदम से पलट गई, जिंदगी एकदम से थम गई। आधे लोगों को देखती हूँ तो कोई मुझे देख के रोने लग जाता है, कोई मुझे देख के बोलता मैम फोटो लेनी है। और एक सिंपल से इंसान के लिए कहीं आना जाना बहुत बहुत इजी होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा ही एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताऊँ। जैसे मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगती है, वैसे ही मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में जाऊँ, अपना बोर्डिंग पास भी लाइन में निकलवाऊँ, हर चीज़ लाइन में करूँ। लेकिन कुछ होता ही नहीं लाइन में, आजकल सीधा डायरेक्ट चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बस यही कहूँगी कि आपको कोई आर्टिस्ट दिखता भी है, हर आर्टिस्ट की, हर उस इंसान के रिस्पेक्ट कीजिए जिसने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में दूसरों के लिए किया है, किसी ना किसी को बना के ज़रूर भेज रहा है,